ग्वालियर शहर के श्रीमंत माधोराव सिंधिया शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में सोमवार को छात्रों के दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान देसी तमंचे से फायर भी किया गया। वहीं इस झड़प में तथाकथित एनएसयूआई का नेता एक छात्र राजवर्धन भदौरिया घायल हो गया। इसके बाद घायल छात्र ने स्थानीय थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस हिंसक झड़प का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। साथ ही कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं पुलिस ने कहा कि मामले में तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साइंस कॉलेज के पास कुछ लड़के लोग आपस में लड़ गए। सीनियर जूनियर के कुछ उनमें आपसी विवाद हुआ और उस पर से वो लोग थाने आए और इन लड़कों के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है। सीनियर जूनियर का कुछ वो थी मसला था उनका आपस में, और उसी बात को लेकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो गया। उसमें एक लड़के को नाक में चोट लग गई थी, इसलिए मुकदमा खत्म कर दिया।